मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरी YouTube चैनल ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो लेट्स नो सीरीज की 10वीं वीडियो है ये, और इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, ये मतलब डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ये जो टॉपिक है SDG, MDG, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में, अभी UPPCS का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका मतलब मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप जाने खुद को इस वीडियो के थ्रू, मतलब आप जाने चीजों को क्या है अपने प्रेजेंट एनवायरमेंट में, प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कंट्री में अपने क्या चल रहा है, उन सब चीजों के बारे में, किस मतलब पॉवर्टी के ऊपर क्या बात हो रही है, हंगर के बारे में क्या बात हो रही है, गुड हेल्थ के बारे में क्या बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या बात हो रही है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में क्या बात हो रही है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में क्या बात हो रही है, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के बारे में क्या बात हो रही है, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या बात हो रही है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बात हो रही है, रिड्यूस इनक्वालिटीज के बारे में क्या बात हो रही है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द पोल्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस पूरी वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पर पहले लोगों को देखते हैं, नो पॉवर्टी यहाँ पर है, पहली वीडियो है, पहला जो गोल है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि नो पॉवर्टी का मतलब ये है, नो हंगर जीरो हंगर ये है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग इसके लिए है, क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए एजुकेशन की बात हो रही है, जेंडर इक्वलिटी ये है, वाटर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये है, तो मतलब ये सब चीजें यहाँ तक 17 SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं 17 है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पूरी इस वीडियो में जानेंगे। और जो SDG का कंसेप्ट है, डिजीज का कंसेप्ट है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब से कब तक चला, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब लोग हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है किसका, टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ये क्या है, फ्यूचर की कामना की जा रही है किसके लिए, सबके लिए, जो 2030 तक रखा गया है। 2030 देखिए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया 2015 में, और ये क्या है, एजेंडा 30 के नाम से जाना जाता है। 2030 तक इसको, इस जितना भी मतलब 17 SDGs की हम लोग बात किए हैं, उन सब चीजों को 2030 तक कवर करना है। और MDG ये क्या, इन प्लेस किसको ये रिप्लेस किया है, MDG को रिप्लेस किया है। MDG कब से कब तक चला था, 2000 से 2015 तक MDG चला, और जो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एजेंडा 30 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। SDG सक्सेडेड द MDG इन 2016, और ये क्या है, मतलब 2015 में और 16 में, 15 में वो हुआ था, सेटअप हुआ था UNGA के द्वारा इसको एजेंडा 30, और 16 में उसको रिप्लेस करके ये अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपना स्थान है नया ब्लूप्रिंट के रूप में आया। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे कोई घर का नक्शा जब बनाते हैं हम लोग, तो उससे पहले जो प्रिंट वो बनाते हैं नक्शा ना, घर बनाने से पहले जो कोई नक्शा बनाते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो बस ऐसे ही मतलब कि जो फ्यूचर में उन सब चीजों को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने के लिए, जो प्रेजेंट में जो जो दिक्कतें चल रही है, पॉवर्टी को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, डिजास्टर को लेकर, उन सब चीजों को क्या किया है, इसमें टैकल किया जाएगा। 2030 तक बात की गई है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो इसका कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कॉन्सेप्ट कब उजागर हुआ, द ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन है। जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या 1987 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा हुआ था। कॉइन्ड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था वो कॉइन्ड हुआ था। और क्या इसका मतलब, मेन उद्देश्य क्या था, डिफाइंड क्या था, देखिएगा कितनी अच्छी बात बोली जा रही है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड। मतलब ये है कि
जो डेवलपमेंट होगा किसके द्वारा, जो प्रेजेंट में इसमें वर्तमान में मान लीजिए कि इसमें वाटर को लेकर बहुत ज्यादा मतलब लोग कहते हैं सेव वाटर सेव वाटर, तो जो वाटर का यूज होगा ना, जो नीड इस समय की है प्रेजेंट की, वो क्या है कम्प्रोमाइज, ऐसे मतलब इतनी कम मात्रा में मतलब इतना ही यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे जो फ्यूचर वाली जनरेशन जो आने वाली है वो कम्प्रोमाइज न करे, उन लोग एबिलिटी जो है, उन लोगों की जो क्षमता है, उन लोगों को भी जितना वाटर पर डे चाहिए एवरेज चाहिए उसको कम्प्रोमाइज न हो, इसकी बात की जा रही है कि जो यूज हो क्या है मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कम्प्रोमाइजिंग, जो हमारी जो आज की नीड है उसको उतना ही नीड किया जाए, मतलब उतना यूटिलाइज किया जाए, कंजप्शन किया जाए कि हमारी जो फ्यूचर आने वाली फ्यूचर है उसको क्या किया कम्प्रोमाइज न करना पड़े। तो इसका कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसे करके आया है। ठीक है, देखते हैं कि द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये क्या है। तो इसमें क्या है 8 गोल्स थे और 2015 तक इसको क्या करना था, अचीव करना था। इसका एम क्या था कि 2015 तक इसको अचीव करना है। मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000, जो मिलेनियम समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जितने भी 193 प्रेजेंट में 193, उस समय 191 कंट्रीज थी इसमें यूनाइटेड नेशन में, तो वो क्या हुआ था कि वो उन्होंने समिट में क्या हुआ पार्टिसिपेट करके, और उसमें 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, IMF हो जाएगा, ये सब मिलकर क्या किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को एक्सेप्ट किए थे। इसमें क्या 21 टारगेट रखे गए थे और 191 नेशन उसमें क्या हुए थे यूनाइटेड नेशन में 8 गोल। अब हम लोग देखते हैं कि 8 गोल कौन कौन से हैं। पॉवर्टी को और हंगर भूख को इरेडिकेट मतलब खत्म करने की बात हो रही है। अचीव क्या करना है प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करने की बात हो रही है। टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड पावर वुमेन, क्या करना है कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी में कैसे हो जाएगा कि कोई लेडीज कोई लड़की है और कोई लड़का है, तो घर पर ही अपने लोग देखते ही होंगे कि बच्चे को लोग पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं लेकिन लड़कियों को भेजने पढ़ने के लिए मतलब भेजने में थोड़ा ही हिचकिचाहट होती है, तो एक प्रकार से जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टलिटी, मतलब चाइल्ड मोर्टलिटी रेट क्या होती है कि 0 से 1 वर्ष में जितने भी मतलब बच्चे मर जाते हैं एक्सपायर कर जाते हैं उसको क्या करना है रिड्यूस करना है कम करना है। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, और माता की जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करना है बढ़िया बनाना है। कॉम्बेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, क्या करना है HIV जो एक इंफेक्शियस डिजीज है उससे क्या करना है लड़ाई करना है, मतलब कि उसको कंट्रोल करना है, एड्स को कंट्रोल करना है, मलेरिया जो होती है उसको कंट्रोल करना है, और अदर डिजीजेस जो भी अलग अलग डिजीज है उन सब चीजों को कवर करना है। टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो इन्वायरमेंट में जो भी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में उस समय जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जाए, पॉल्यूशन फ्री रखा जाए, उसका इन्वायरमेंट का एक हद तक यूज किया जाए उसकी बात की जा रही है इसमें। टू डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और क्या किया जाए ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब ये 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब एक सब लोग मिलके हर देश मिलके क्या करे डेवलपमेंट पर बात करें, पार्टनरशिप बनाए मतलब आप एक दूसरे से सहयोग करें। अब देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ओरिजिन कब कैसे हुआ। दिस वर बेस्ड ऑन द OECD DSE, OECD का मतलब क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। DSE क्या है एक कमिटी है, डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटी इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल, ये क्या है OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसने क्या किया था DAC एक कमिटी का नाम है, वो क्या हुआ था कि एक कमिटी बनी और उसने क्या किया कि शेपिंग द 21st सेंचुरी स्ट्रेटजी, और उसने क्या किया कि जो 21वीं सेंचुरी जो चल रही है 2000 से जो भी चल रही है उसको 21st सेंचुरी बोलेंगे, तो उसको क्या करना है सेव करने की बात की गई, उसको मतलब आकार देने की बात की गई है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सब्सिडेड द MDG इन 2016, और क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG है वो MDG को कब 2016 में उसका स्थान ले लिया था। देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ SDG, जो SDG का स्ट्रक्चर है कैसे कितना है। ऑन 25 सितंबर 2015 ये मतलब रूप में आया
और इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है क्या एजेंडा 2030 और उसमें 193 कंट्रीज थे और क्या है उनका एजेंडा का जो टाइटल क्या है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, मतलब हमारे अपने देश को वर्ल्ड को पूरे विश्व को क्या करना है 10 to 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे विश्व को क्या करना है 2030 तक एजेंडा रखना है, मतलब एक हर एक देश को एक कार्य दे देना है कि आपको 2030 तक इतना है और ये सब लक्ष्य हासिल करना है। दिस एजेंडा इज 92 पैराग्राफ और जो एजेंडा आया उसमें 92 पैराग्राफ है और 59 आउटलाइंस है और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 ये जो जिसकी हम लोग अभी पूरी वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हैं और एसोसिएशन इसमें कितना सस्टेनेबल, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट दिए गए हैं और 232 मतलब 232 इंडिकेटर हैं इसमें। तो हम लोग रफली एक बार जान लेते हैं 25 सितंबर 2015 को ये मतलब लागू हुआ, मतलब ये आया निकल के और उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एजेंडा 2030 के नाम से बोला जाता है इसे और क्या करना है पूरे देश को, इसका थीम क्या है टाइटल क्या है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है और इसमें कितना 92 पैराग्राफ है, 59 आउटलाइंस है और 17 डेवलपमेंट गोल, इसको तो हम लोग देखेंगे ही, 169 टारगेट है और 232 इंडिकेटर्स हैं। तो हम लोग अब बात आगे देखते हैं, अब हम लोग 17 गोल्स कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखेंगे। नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को एकदम पूरी तरीके से खत्म करने की बात हो रही है, जीरो हंगर भुखमरी को खत्म करना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग सबका क्या है हेल्थ बढ़िया हो जाए सब लोग अच्छी तरीके से जीने लगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन में जो क्वालिटी है वो बढ़े, जेंडर इक्वलिटी जो लैंगिक होता है इक्वलिटी की बात की जा रही है, क्लीन वाटर सैनिटेशन सबको स्वच्छ पानी मिले सैनिटेशन मतलब साफ सुथराई से साफ सुथरा, एट ऑल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल मतलब सबको सबको प्राप्त हो जाए कौन सी एनर्जी जो भी मतलब चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो चाहे जो भी एनर्जी हो वो सबको मतलब एक प्रॉपर वे में सबको मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क मतलब जितना जिसकी एबिलिटी हो जिसकी जो योग्यता हो उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री में इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री में क्या हो इनोवेशन हो नए 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 और इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो, रिड्यूस इनइक्वलिटी क्या है इनइक्वलिटी मतलब जो डिस्पैरिटी मतलब जो भेदभाव है उसको क्या रिड्यूस करना है, जो इसमें इनइक्वलिटी किस चीज की इनइक्वलिटी होगी उसमें वेजेस की इनइक्वलिटी मतलब जो मजदूरी होती है जो वेज मिलता है जो मंथली सैलरी होती है चाहे वीमेन में देखते होंगे कि वीमेन को कम मिलता है और मेल को ज्यादा सैलरी मिलती है, तो उन सब चीजों को देखते हैं हम लोग, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज इसमें जो सिटीज जो भी मतलब वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उन सब चीजों के बारे में बात होगी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन मतलब कम मतलब एक लक्ष्य के हिसाब से एक क्षमता के हिसाब से कंजप्शन किया जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट पर मतलब जो कि इन्वायरमेंट को देखते हुए जो भी कुछ अगर कोई फैक्ट्री कहीं स्थापित हो रही है या फिर जो भी कुछ बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं वेटलैंड्स जो होते हैं उन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, लाइट बिलो वाटर जो समुद्र के जो मछलियां रहती हैं उसमें जो फिशरीज होती हैं उसमें ट्रैफिकिंग जो होती है उन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए उसको मॉनिटर किया जाए, लाइफ ऑन लैंड जो फॉरेस्ट हैं डिजर्ट्स हैं वेटलैंड्स हैं इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पीस जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन इसमें क्या है पीस मतलब शांति जस्टिस न्याय स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया जाए सबको मतलब एक शांति से रहने का मतलब वो दिया जाए, जस्टिस सबको इक्वल जस्टिस हो न्याय हो और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया जाए ताकि लोग मतलब वहां पर अपना अगर कोई जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो तो उसमें अगर कोई कोर्ट कोई केस लेट जा रहे तो हम लोग यूपी में चाहे पूरे देश में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाती है तो वैसे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की जाए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स और क्या हुआ जो गोल्स हैं उनको पार्टनरशिप मतलब सभी देश क्या करें एक दूसरे को सहयोग करके उसको बढ़ावा दें। अब हम लोग पूरे मतलब अब पूरी वीडियो में हम लोग एक एक करके नो पॉवर्टी के बारे में सब कुछ जैसे जैसे है उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एसडीजी 1 नो पॉवर्टी इन पॉवर्टी इन ऑल
इट्स फॉर्म एवरी वेयर, इसमें कितना 17 टारगेट्स हैं और 13 इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर है कि जो 13 टारगेट इंडिकेटर्स हैं, 7 टारगेट हैं, और इसमें क्या है कि इंड पॉवर्टी, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए, पॉवर्टी को खत्म करने की बात की जा रही है। और पॉवर्टी को अगर खत्म करना चाहा जाए तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाएगा, पॉपुलेशन पर, डिजास्टर्स जो भी होते हैं ये कारण होते हैं, मोबिलाइजेशन, इन सब चीजों को अगर हम लोग अगर एसडीजी में अगर इंक्लूड किया गया है तो लक्ष्य ये है कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल, पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाए। डिजास्टर जहाँ भी होते हैं वहाँ पर तबाही हो जाती है, तबाही होने की वजह से क्या होता है कि लोगों को घर द्वार छोड़ना पड़ता था, मोबिलिटी करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ जाती है। लोग हम लोग देखते हैं दूसरी वाली SDG 2, जीरो हंगर, इंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी, क्या है कि भूखमरी को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और क्या करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। इसमें 8 टारगेट हैं, 14 इंडिकेटर्स हैं। इसको जीरो हंगर को अगर हम लोग लाना चाहते हैं, अगर पूरे देश, सभी देश अगर भारत लाना चाहता है तो भारत को क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो मतलब माल न्यूट्रिशन पर वो करना, कुपोषण जिसे बोलते हैं हिंदी में, कुपोषण पर ध्यान देना चाहिए। कुपोषण पर ध्यान देने के लिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाना चाहिए, और ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए आवश्यकता अनुसार, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा किस पर, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, और बजट एग्रीकल्चर पर जो बजट होता है उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। एग्रीकल्चर को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इसके वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन कम होगा और भूख मरी कम हो जाएगी। अगर फूड ज्यादा और ज्यादा मात्रा में अगर होगा, प्रोड्यूस होगा, तो भूखमरी आराम से, इजिली से, जीरो हंगर देश 2030 तक ये सब अचीव हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या, इंश्योर हेल्थी लाइफ, सबको क्या हो, एक स्वस्थ लाइफ मिले, प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट द ऑल एजेस, सब लोग क्या हो, एक खुशी खुशहाल तरीके से रहें सभी एज में, मतलब जीरो से जब तक टिल द डेथ, क्या हो बढ़िया से रहें। इसमें 13 टारगेट है और 28 इंडिकेटर है। इसको अगर हम लोग गुड हेल्थ को अचीव करना चाहें, वेलबींग को अचीव करना चाहें, तो क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए टोबैको पर कंट्रोल करना चाहिए, रिड्यूस क्या करना चाहिए, रिड्यूस जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उन सब चीजों को रिड्यूस करना चाहिए, और उसमें जो उसके जो एक्सीडेंट होते हैं उसके कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर हो जाते हैं तो प्रॉपर वे में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, उसकी बात की जा रही है। मैटरनल मोर्टलिटी रेट, उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव केयर, इन सब चीजों को प्रोत्साहन देना चाहिए। पॉपुलेशन पर, पॉल्यूशन पर, अगर पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए, पॉल्यूशन भी कम करना चाहिए, और हैजार्डस केमिकल्स जो भी खाने में यूज होता है, जो भी कोई मटेरियल बनाने में यूज होता है, उन सब चीजों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग SDG 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इंश्योर क्या करना है, समावेशी शिक्षा को बढ़ाना है। जैसे पहले क्या होता था कि एक स्पेशल स्कूल्स होते थे ब्लाइंड बच्चों के लिए, या फिर कोई PWD बच्चों के लिए, लेकिन अब क्या है, इंक्लूसिव सेटअप की बात हो जा रही है यहाँ पर, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, सभी को एक समझ, मतलब एक प्रॉपर वे में और एक न्याय के रूप में, मतलब एक बराबर वे में शिक्षा देने की बात की जा रही है। प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और क्या है, पूरे जीवन पर्यंत तक क्या हो, सीखने की बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें 10 टारगेट हैं और 14 इंडिकेटर्स हैं। इसको अगर वर्ल्ड अचीव करना चाहेगा तो कैसे, 2030 तक कैसे अचीव करना चाहेगा, इस सब चीजों को हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जो क्या होगा, फ्री एक्सेस ऑफ प्राइमरी लेवल पर सभी को क्या हो, सभी को प्राइमरी शिक्षा फ्री मिले, वोकेशनल एजुकेशन को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, इलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन को हटा देना चाहिए, और क्या हो कि जो हायर एजुकेशन हो उसके लिए लोगों को प्रमोट करने के लिए, इन सब चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। SDG 5, जेंडर इक्वलिटी, अचीव जेंडर इक्वलिटी इन एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल। क्या हो कि जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर लिया जाए,
और वीमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं को लड़कियों को क्या हो जाए एम्पावर मतलब मजबूत किया जाए। लीव नो वन बिहाइंड ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि लीव नो वन बिहाइंड मतलब कोई भी छूट ना पाए, सभी को क्या करना है एम्पावर करना है। और क्या इसका एम क्या है, इसमें एम टू ग्रांट वीमेन एंड गर्ल्स इक्वल राइट्स, क्या है कि सभी जो लड़कियां हैं औरतें हैं उनको क्या इक्वल राइट्स दिया जाए, मतलब उनको अपना अधिकार देने का भी वो नहीं हो पाता है। अगर जैसे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया होता है इक्वल टू राइट्स या फिर फ्री ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन या फिर कुछ भी दिया हो फ्री ऑफ स्पीच, इन सब चीजों को अगर देने का है, अगर राइट टू एजुकेशन, अगर ये सब चीजें दी जा रही हैं तो मतलब ये कहीं न कहीं ये प्रोहिबिट हो जाती हैं, कोई कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट होती हैं ये सब चीजें, तब जाके ये इसका लॉ बनता है, नियम बनता है कि नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्या है कि वुमेन को अपने राइट्स नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल क्या ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कमेटी बनाती हैं, अलग अलग विचार रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जेंडर इक्वलिटी पर, उस पर इक्वलिटी की बात की जा रही है, अपॉर्चुनिटी टू फ्री लीव फ्री विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और जो क्या है कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मौका दिया जाए कैसे, मतलब बिना भेदभाव के क्या वर्क प्लेस पर जहाँ पे वो कार्य कर रही हैं वहाँ पर क्या हो फ्री के तौर पर, मतलब बिना कोई भेदभाव पर वो वहाँ पर काम कर सकें और कोई वायलेंस न हो वहाँ पर। और यहाँ पर क्या इक्वल इक्वलिटी में, जेंडर इक्वलिटी में उनको क्या है कि इक्वल वेजेस मिले, मतलब अपना कार्य उसके हिसाब से, जैसे कि अगर कोई मेल 10 से 4 बजे तक कार्य करता है तो उसको मान लो 10,000 रुपए मिलते हैं, तो वहीं पर 10 से 4 अगर कोई फीमेल काम करती है तो उसको शायद 8,000 मिलते हैं, उस हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी इक्वलिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर इक्वल राइट्स की बात हुई गई, वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन न हो उन सब चीजों को रोकने की बात की जा रही है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एसडीजी 6 है, इसमें क्या सबको क्लीन वाटर मिले, सबको स्वच्छ वातावरण मिले, उन सब चीजों की बात हो रही है इसमें। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इसमें क्या है कि सबको क्या वाटर सबको फ्री मिले, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता से रहे, इसमें 8 टारगेट रखे गए हैं और 11 इंडिकेटर्स हैं इसमें। इसमें क्या है कि सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर सबको क्या हो, सेफ और ड्रिंकिंग वाटर सबको पूरी तरीके से पर्याप्त हो, ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाए पूरा नेशन, ओपन डिफिकेशन मतलब जो बाहर लोग शौच करते हैं उसको ओपन डिफिकेशन बोलते हैं, अगर ODF एक स्कीम भी है ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, तो इसको अचीव करना है 2030 तक। सैनिटेशन एंड हाइजीन मतलब हाइजीन मतलब कि जो भोजन जो भी हम लोग खा रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं उस पर बात की जा रही है। सैनिटेशन वाटर की जो क्वालिटी, हम लोग वाटर जो पानी पी रहे हैं उसमें जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है, उन सब चीजों जो मिनरल्स आ रहे हैं उसमें या फिर मिक्सड होकर आ रहे हैं, तो उन सब चीजों पर ये 2030 तक के लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबको पर्याप्त मात्रा में क्या हो क्लीन एनर्जी मिले। इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, सबके लिए एनर्जी क्या हो मिले, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो भी चीजें आती हैं एनर्जी के द्वारा, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलनी चाहिए या हीट जो खाना बनाने के लिए जो कुछ भी होता है उन सब चीजों को, ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रेल हो, ये सब क्या है एनर्जी के रूप में कार्य, मतलब सबको मिलना चाहिए, अफोर्डेबल सबको मिलना चाहिए। एसडीजी 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर डिसेंट वर्क होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, जैसे हम लोग समझेंगे, प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, क्या है प्रमोट क्या सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जिसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उसको वर्क दिया जाए और वो उतना ही प्रोडक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बीटेक का स्टूडेंट है या फिर कोई BSc AG का स्टूडेंट है या फिर कोई MBA का छात्र है, तो अगर MBA का छात्र है तो वो बिजनेस में ही आगे बढ़ पाए, उसको बिजनेस में ऐसे जॉब्स दिए जाएं जिसके वजह से क्या हो वो अर्न करेगा ज्यादा, जिसके वजह से क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर कोई बीटेक का टेक्निकल स्टूडेंट है तो अगर उसको टेक्निकल के द्वारा ही कहीं अगर जॉब मिल रही है तो वो क्या करेगा अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करेगा, तो उससे हो जाएगा डिसेंट वर्क हो जाएगा।
और जो अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर के द्वारा है तो वो एग्रीकल्चर में अच्छा खासा कर ले जाएगा। तो जो भी इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जितनी जिसकी योग्यता होती है उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब दी जाए, तो उसको हम लोग डिसेंट वर्क बोलेंगे। डिसेंट वर्क में उसके अकॉर्डिंग उसको वेज मिले, मजदूरी मिले, पैसे मिले, उस सब चीजों को डिसेंट वर्क के रूप में, और प्रोडक्टिव एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नाइन्थ एसडीजी। एसडीजी 9 क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री के प्रमोट, जिसमें हम लोग देखते हैं पहले लिखा हुआ बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। अब इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाया जाए और उसको एक प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में इनोवेशन मतलब नई नई तकनीकों का उपयोग हो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कोई इंडस्ट्री है तो उसको क्या होगा कि प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहिए कि सब लोग उसमें जाकर जॉब कर सकें, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि उसमें जॉब कर ले, और क्या हो, इनोवेशन हो नई नई तकनीक के द्वारा। अगर जैसे कि कोई इंडस्ट्री है अगर वो ज्यादा वो स्मोक धुआं उत्पादन करती है तो कुछ ऐसे टेक्निक्स लाया जाए या ऐसे नए इनोवेशन किए जाए जिसके वजह से उस इंडस्ट्री में क्या हो, मॉडिफाइड किया जाए कि जो धुआं हो उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है एयर पॉल्यूशन उसको कम किया जा सके, उन सब चीजों के बारे में इसमें हम लोग बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कोई भी स्कूल हो या फिर कोई इंडस्ट्री का ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई कंपनी हो तो उसको उसको क्या हो कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उन सब चीजों की इसमें बात की जा रही है। एसडीजी 10 जो है उसमें क्या है? एसडीजी 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। जो अपने अपने देश में क्या हो, जो इनकम का इनइक्वालिटी हो रही है, जैसे बताया था नेक्स्ट पिछले अभी थोड़ी से कुछ मिनट पहले कि जो महिलाओं को वीमेन्स को जो सैलरी दी जाती है वो मेल कंपेरिजन में कम दी जाती है, उसको कम करने की मतलब उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। और ये जो प्रमोट क्या करना होगा, अगर ये इनइक्वालिटी को अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी विचार होता है हर देश का उसको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए हर पार्टी और जो हर इकोनॉमिक, हर देश की इकोनॉमिक और हर पार्टी के पॉलिटिकल जो भी अप्रोच होते हैं उन सब चीजों को, तीनों को बैलेंस बनाकर ही इसको हम लोग इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं 11th एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब ऐसी सिटीज स्थापित किया जाए और समुदाय जिसको सभी लोग यूज कर सके, मिक्स सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इंक्लूसिव, सेफ हो, रेजिलिएंट हो, मतलब सभी को प्राप्त हो जाए, सस्टेनेबल हो मतलब यूज हो। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए जो सस्टेनेबल सिटीज हो और कम्युनिटीज की स्थापना या कैसे कर दी जा सकती है। एडिक्वेट मात्रा में क्या हो, बिल्डिंग्स बनाए जाए, मकान बनाए जाए, सेफ अफोर्डेबल हाउसेस की स्थापना की जाए, सेफ ट्रांसपोर्ट हो, और जो क्या हो कि वर्ल्ड ट्रेड जो भी कल्चरल साइट्स होती हैं, नेचुरल हेरिटेज जो होते हैं उन सब चीजों को क्या हो प्रोटेक्ट किया जाए, जो कल्चरल साइट्स होती हैं या फिर नेचुरल हेरिटेज जो भी बायोडायवर्सिटी हो गया या कोई इकोसिस्टम है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, असम में है, राजस्थान में है, इन सब चीजों को क्या है प्रोटेक्ट किया जाए, और कल्चरल जो है कल्चरल साइट्स हैं उन सब चीजों को, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है इसमें। एसडीजी 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इसको हम लोग समझेंगे, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, जो भी हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन जो पैटर्न है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर वे में करना चाहिए, जैसे कि यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड मैनर में करना चाहिए, जो सप्लाई चेन है फूड का चेन हो या फिर सप्लाई चेन हो, जैसे कि कोई देश में किसी देश में चावल की कमी पड़ रही है तो उस वहां पर चावल पहुंचाया जाए, या फिर जैसे कि ये जो सप्लाई फूड सप्लाई चेन है इन सब चीजों को मेंटेन किया जाए। प्रमोट 4 R, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रमोट 4 R, इसमें 4 R क्या है, इन सब चीजों के हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। रिड्यूस
रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल हो गया और रिकवर हो गया। जैसे कि कोई हम लोग पानी का बोतल खरीद रहे हैं तो उस पानी को या तो कोशिश रहे कि हम घर से कोई बोतल ले जाए, घर से ही पानी भर के लेते जाए, रास्ते में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां से हो गया रिड्यूस हो गया। अगर हम खरीद भी रहे हैं तो उसको हम लोग रीयूज करें। अगर पहले तो प्रायोरिटी होगी कि हम उसको चीजों को यूज करने से पहले ही मतलब उसको रिड्यूस करें कि यूज ना करना पड़े। अगर यूज करें तो उसको दोबारा पानी, ये नहीं कि अगले स्टेशन पे हम लोग पहुंचे तो फिर पानी खत्म हो गया तो अगले स्टेशन पर फिर जाकर नया बोतल खरीद दे, दूसरे जगह से कहीं से पानी भर ले, फिर उस बोतल को इधर उधर फेंक मत दें, रिसाइकल करने के लिए डस्टबिन में डाल दें और फिर दोबारा उस चीजों को रीयूज कर लें। तो रिकवरी क्या है, एक साइकिल चेन बन रही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर की चेन बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोटेक्ट क्या होगा, किसको प्रोटेक्ट करना है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है और इसको रिस्टोर बनाए रखना है। रिड्यूस क्या होगा, ओशियन एसिडिफिकेशन, जो भी ओशियन में जो अपने है समुद्र में जो भी एसिडिटी फैली जा रही है, जैसे कि कानपुर में कितने नदी कितनी गंदी हो गई है और जो भी मतलब जो नदियों का पानी जाहिर सी बात है कि समुद्र में जाता है, तो कहीं ना कहीं जो अम्लीय, जो इसको अम्ल बोलते हैं, उसको कम किया जाए, उसकी बात हो रही है। कंजर्व मरीन एरियाज, जो समुद्र में जो भी क्षेत्र होते हैं मरीन, मतलब जो मछलियां मारने वाला कार्य जो कुछ भी होता है, उन सब चीजों को क्या हो कि कम मात्रा में यूज किया जाए, पानी को बचाया जाए। ये सब जो अपने फ्यूचर को, अपने फ्यूचर जनरेशन को दिया जा सकता है, उसकी बात की जा रही है इसमें। अब हम लोग देखते हैं एसडीजी 13 के बारे में। हम लोग देखते हैं एसडीजी 13 क्या है। क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बेट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट बाय रेगुलेटिंग इमिशंस एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या है क्लाइमेट एक्शन में, कि जो क्लाइमेट चेंज को, जो भी क्लाइमेट जिसके कारण चेंज हो रहा है उसको क्या हो, रेगुलेट किया जाए इमिशंस को। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इमिशंस ज्यादा होता है जिसके वजह से ओजोन लेयर में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो वो इमिशंस को कंट्रोल किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। इसमें जैसे कि एक संगठन है UNFCCC, उसमें क्या यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, उसके UNFCCC। तो ये क्या बहुत ज्यादा कार्य करती है किस पर, एनवायरमेंट पर और क्लाइमेट पर, ये बहुत ज्यादा कार्य करती है। क्लाइमेट एक्शन में हो जाएगा वाइल्ड फायर, जो भी अभी कुछ दिन पहले जो वाइल्ड ब्राजील में जो एक जंगल है उसमें आग लग गई थी, उसको कंट्रोल किया जाए। मतलब जो भी जंगल में आग लग जा रही है उन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए, ड्रॉट सूखे को कंट्रोल किया जाए, फ्लड्स अगर कहीं पर बाढ़ आ जा रहा है उस सब चीजों को कंट्रोल किया जाए, हरिकेन्स आ जा रहे हैं तो उसके वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी तबाहियां हो रही है, उन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए। और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के बावजूद ही एक क्लाइमेट एक्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रीन हाउस इमिशन जो भी होती है, ग्रीन हाउस गैसेस जो भी होती है, उन सब चीजों को क्या हो कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट मैनर में यूज किया जाए। अब लोग आगे देखते हैं एसडीजी 14 जो है लाइफ बिलो वाटर, वाटर के अंदर जिनका जो भी जीव है उन सब के बारे में, उनको संरक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन सीज एंड मेरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो भी मछलियों का यूज होता है, जो समुद्र से जो भी चीजें मोती हीरे जो भी निकाले जाते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में, नमक की जो खेती होती है वो सब चीजों को एक प्रॉपर वे में और एक रेगुलेटिंग वे में यूज किया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। इसमें क्या होगा कि अगर इन सब चीजों को, लाइट बिलो वाटर को अगर एक सेटअप करना है, बनाए रखना है, तो उसमें हम लोगों को इम्प्लीमेंट सी लॉ, मतलब सी के लिए मतलब समुद्र के लिए क्या नए नए कानून बनाने चाहिए। रिड्यूस मरीन पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है मरीन पॉल्यूशन, जैसे कि नदियों से जो भी मलबा, जो भी पॉल्यूटेड एसिड जा रही है, उन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए। और क्या होगा, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को क्या हो बढ़िया से बनाए रखें। और क्या हो एसिड में इसमें ओशियन को क्या किया जाए कि स्वच्छ रखा जाए कैसे भी, और मरीन एरियाज को साफ रखा जाए। अब हम लोग देखते हैं लाइफ ऑन लैंड, एसडीजी 14 तो हो गया। अब एसडीजी 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड, एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड।
प्रोटेक्ट रिस्टोर प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्बेट डिजर्टिफिकेशन हाल्ट एंड रिवर्स रिजर्व क्या है लैंड डिग्रेडेशन एंड हाल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें क्या हो जाएगा कि जो लाइफ ऑन लैंड मतलब जो भी जीव पर जो पृथ्वी पर जो लोग भी रह रहे हैं जो भूमि भूमि पर जो रह रहे हैं उनकी बात की जा रही है उसको क्या किया जाए उसके इकोसिस्टम को कंट्रोल किया जाए। फॉरेस्ट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आग लग जा रही है या फिर उसको जो उसमें ट्रैफिकिंग होती है पोचिंग जो होती है शिकार जो करते हैं फॉरेस्ट में लोग जानवरों का उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। नेचुरल हैबिटेट्स को बचाए रखा जाए और क्या पोचिंग को कंट्रोल किया जाए ट्रैफिकिंग स्पेसीज जो भी जैसे कि असम में सिंह जो गेंडा होता है एक वन सिंह वाला उसकी क्या होती है सिंह की चोरी की जाती है मार दिया जाता है। हाथी के दांत की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम और जो इकोसिस्टम किसका है माउंटेन पर जो भी इकोसिस्टम है उन सब चीजों को क्या किया जाए कंट्रोल किया जाए। अब हम लोग देखते हैं 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन देखते हैं। एक्सप्रेशन 16 क्या है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इसमें क्या है अब लोग देखते हैं कि प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। इसमें जो भी है कि पीसफुल एनवायरनमेंट को क्या जो पीसफुल सोसाइटी है उसका गठन किया जाए और जो एक्सेस हो न्याय के लिए सब लोग पूरी तरीके से न्याय को और प्रभावी तरीके से न्याय पा सके अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल और जो इंस्टीट्यूशन जो भी संगठन बने वो क्या हो सबके लिए अकाउंटेबल हो ये इन पर बात कही जा रही है। जैसे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पीस को रिड्यूस करने के लिए सॉरी पीस को इम्प्रूव करने के लिए कहीं पर जैसे कि यूक्रेन में और रशिया में इसमें वार चल रहे हैं तो अलग अलग संगठन क्या कर रहे हैं रशिया पर बैन कर रहे हैं ट्रेड बैन कर रहे हैं तो जिसके वजह से पीस अगर रशिया को समझ में आया जाए तो क्या पता वो बैन कर सकता है तो पीस को मेंटेन करने के लिए जस्टिस जैसे कि यूनाइटेड नेशन में असेंबली है वहां पर लोग जस्टिस के लिए जाते हैं अलग अलग नेशन जैसे पाकिस्तान हमेशा जाता रहता है या फिर इंडिया जाता रहता है हर देश वहां पर जाते रहते हैं जस्टिस के लिए उसकी बात के और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन जैसे कि वहीं पर यूनाइटेड नेशन में ही है। इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या हो रिड्यूस वायलेंस को कम करके चिल्ड्रन को जो एब्यूज होता है चिल्ड्रन पर उसको कंट्रोल करके और एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस जो बच्चों की जो खरीद फरोख्त होती है जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया जाता है उनके आंख ब्लाइंड बनाकर उनको रोड पर छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से लोग भीख मांगते हैं उन सब चीजों को कंट्रोल करना है। इसमें प्रमोट रूल ऑफ लॉ जो भी नियम जो भी रूल बनाया जाए वो क्या हो रूल ऑफ लॉ हो इक्वल जस्टिस हो जो लेबर फोर्स होता है उसको क्या हो कम किया जाए। हम लोग देखते हैं 17 एंड लास्ट गोल क्या है पार्टनरशिप फॉर द गोल स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको क्या हो सख्ती से मतलब पूरी जोर शोर तरीके से उसको क्या हो यूज किया जाए और ग्लोबल पार्टनरशिप पर विचार किया जाए जिसकी वजह से सभी देश सभी वर्ल्ड सभी देश क्या मिलकर एक नियम बना सके जैसे कि इंक्रीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर सभी देश कोई इश्यू पर एक साथ आकर जैसे कोविड पर हुआ तो सभी देश एक दूसरे से सहयोग करके ही क्या हुआ कोविड से हम लोग कम्बेट कर रहे थे। शेयर नॉलेज और टेक्नोलॉजी अगर नॉलेज को और टेक्नोलॉजी को हम लोग शेयर कर रहे हैं एक देश दूसरे देश से तो क्या होगा देश में डेवलपमेंट होगा और फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे कि श्रीलंका में फाइनेंशियल सपोर्ट क्या आईएमएफ ने 55 मिलियन रुपए दिया है तो उन सब चीजों को यहाँ पर बात की जा रही है कि इसमें क्या हो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सभी लोग सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी का शेयर हो नॉलेज का शेयर हो जैसे कुछ बच्चे इंडिया के यूक्रेन में जाकर बाहर पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा टेक्नोलॉजी या नॉलेज का शेयरिंग हो रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट अभी बताया जैसे मैंने कि यूक्रेन में सॉरी श्रीलंका को आईएमएफ ने इतना रुपया दिया भारत ने उसको चावल दिया चाइना ने कुछ रुपया दिया तो ये सब चीजें आ जाती हैं किसमें फाइनेंशियल सपोर्ट में।
और एसडीजी को कौन मॉनिटर करता है उसको हम लोग देखेंगे। द यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एचएलपीएफ जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, एक एनुअल स्पेस फॉर ग्लोबल मॉनिटरिंग कमिटी है, एक वो क्या करते हैं एनुअली इस पर वर्क करती है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये किसके अंडर में, यूनाइटेड नेशनल के इकोनॉमिक और सामाजिक काउंसिल के अंदर में एचएलपीएफ कार्य करके क्या करती है, उसको मॉनिटर करती है, किसको, एसडीजी को। थैंक यू फॉर टुडे। आज की वीडियो काफी लंबी पड़ गई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा, शेयर करिएगा और वो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे देखने के बाद। थैंक यू।